स्वर्ग में भी दुर्लभ है, ऐसा मैं आपको पृथ्वी लोक में पान खिला रहा हूँ। तो आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा हुआ है वही बेस के ऊपर मैं बनाता हूँ पान। वातकनम, कफनाशनम, कृमिहरम, दुर्गंधि निनाशनम, वृक्ष वर्णम, विशुद्धिकरणम, कामाग्नि संदीपनम, ताम्बूलस्य क्षेत्र दस गुणा स्वर्गेन अपि दुर्लभः। इतनी जगह पान खाया है मैंने, लेकिन इससे बढ़िया मीठा पान मुझे नहीं लगता मैंने कभी खाया है। नमस्कार अंकल। अंकल मैंने सुना आपके पास हर्बल पान मिलता है। हाँ। तो अंकल पान तो हम बाद में खाएंगे, पहले मतलब लोगों के मन में बड़ी गलतफहमी होती है पान को लेकर, तो आप पान का इतिहास बताइए और अपना अपने पान का कॉन्सेप्ट बताइए आप। गुड। ये पान को है ना सब संस्कृत में तांबूल कहा जाता है। अच्छा, संस्कृत में तांबूल कहा जाता है। तांबूल कहा जाता है, तो ये देवलोक में से आया हुआ तांबूल है। और जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी दरिया में से प्रागट्य हुए और देवलोक का तांबूल पृथ्वी लोक में लेके आए। अच्छा, तांबूल पान को बोलते हैं संस्कृत में। पान को, संस्कृत में पान को तांबूल कहा जाता है। तो भगवान धन्वंतरी इसे स्वर्ग से लेकर आए थे। हाँ, स्वर्ग में से दरिया में से प्रागट्य हुए और देवलोक की दो चीज पृथ्वी लोक में लेके आए, एक अमृत का कलश और दूसरा नागरवेल का। अच्छा, तो जब अमृत आया था अमृत के साथ आया था पान। आयुर्वेद के ग्रंथ थ्रू तांबूल की प्रणाली चालू किया हुआ है। इसका मैं ये सब डीप स्टडी करके लाया हूँ। मैंने मेरे पान के ऊपर श्लोक लिखा हुआ है कि तांबूलम कटुक्तम तीक्ष्णम मधुरम क्षारम कषायंतम वातकनम कफनाशनम कृमिहरम दुर्गंधि निनाशनम वृक्ष वर्णम विशुद्धिकरणम कामाग्नि संदीपनम तांबूलस्य क्षेत्र दस गुणा स्वर्गेन अपि दुर्लभः। स्वर्ग में भी दुर्लभ है, ऐसा मैं आपको पृथ्वी लोक में पान खिला रहा हूँ क्योंकि भगवान धन्वंतरी। तो पान क्यों खाना चाहिए, पान कब खाना चाहिए, पान किसको खाना चाहिए और पान में क्या खाना चाहिए। अभ्यंगे निशी मांगल्ये प्रभाते भोजनांते तांबूल भक्षणायन्ति श्रेष्ठ मित्राचार्य वदन्ति। दिन में चार ही ऐसा टाइम है कि आप पान खा सकते हो, दो टाइम खाने का और दो टाइम ब्रेकफास्ट का। लेकिन पान में क्या खाते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अमृत खाते हो या तमाकू नाम का जहर खाते हो। अच्छा, तो अपने पास जो पान है उसमें तमाकू नहीं होता है? नहीं, मैंने तमाकू का धंधे का आजीवन त्याग कर दिया है। नो टोबेको शॉप। तो अपने यहाँ पान उस प्रणाली से बनाया जाता है जैसे बनाया जाना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली जो आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा हुआ है वही बेस के ऊपर मैं बनाता हूँ पान। अभी मैं आपको पान बना के दिखाता हूँ। हाँ जी, आइए। सबसे पहले पान का पत्ता लिया है जिसकी मुझे भी अभी जानकारी हुई कि ये अमृत के साथ प्रकट हुआ था धरती पर। हाँ। भगवान धन्वंतरी हाथ में लेकर आए थे। Exactly. अंकल आप बताते रहिएगा क्या क्या डाला है ये। हाँ। ये चूना डाला है। ये इसके ऊपर चूना डाला गया है और ये कत्था है, हल्का सा लगाया गया है कत्था। हाँ। और कत्था भी इसका प्रोसेस है 36 घंटे का प्रोसेस है बनाने में। 36 घंटे का? हाँ, ये आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, हम खुद ही बनाते हैं। अब ये जो मैं इसके अंदर आयुर्वेदिक औषधियाँ डाल रहा हूँ। हाँ जी। वो पूरे घर पे बनाए हुआ है। ये पान ऑनलाइन आर्टिकल है ना टाइम्स ऑफ इंडिया में। हाँ जी। ये मेरा प्रैक्टिकल इंटरव्यू है मसाला बनाता हुआ। मेरा मम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरी तो डॉटर है और ये मैं हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप, सारे मसाले जो है इस्तेमाल किए जाएंगे आयुर्वेदिक, अंकल खुद बनाते हैं, तो कुछ भी बाजार से लिया हुआ सामान नहीं है यहाँ पे। हाँ। ये जेठी मठ के ऊपर बनाया हुआ मसाला है। किसके ऊपर अंकल? जेठी मठ जो गले के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। ये प्रवाल के ऊपर बनाया हुआ मसाला है। इससे क्या होता है अंकल? प्रवाल ठंडक के लिए होता है। अच्छा, ठंडक के लिए। पहले वाला मसाला जो है वो गले के लिए, दूसरे वाला ठंडक के लिए। और ये वसंत मालती से बनाया हुआ मसाला है। हाँ जी। जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सेहत के लिए अच्छा रहता है। हाँ। अभी इसके अंदर खुशबू डाली जाती है, ये स्वाद आया, अभी ये सुगंध आई। अच्छा, अभी स्वाद की चीज आ गई है, अब आ रही है सुगंध की चीज। सुगंध की, ये भारतीय सुगंध है। अच्छा, ये भारतीय सुगंध है, ये लगाई गई है। हाँ। और इसके अंदर पाइनएप्पल है, रोज है और सैफ्रॉन है, तीन चीज का मिलावट है। केसर, पाइनएप्पल, रोज। हाँ जी। और ये चटनी है जो ग्लूकोज लिक्विड से बनाया हुआ है। अच्छा, ये चटनी डाली जा रही है ग्लूकोज लिक्विड से बनाई हुई, उसके अंदर चांदी के वरक है, केसर है। तो इसके अंदर भी चांदी का वरक और केसर डाला हुआ है। अभी ये सुपारी है। अच्छा, ये इसके अंदर। हाँ, सुपारी आएगी। इसके अंदर कोटिंग किया हुआ सुपारी है। अब इसमें कोट किया हुआ सुपारी डाला जा रहा है। अब इसको मिला रहे हैं। अब ये जितनी भी चीजें ली गई हैं सारी अच्छे तरीके से मिलाई जा रही हैं। अंकल अपना जो है पान होता है इसका प्राइस कितना रहता है?
30 रुपए से लेके 2800 रुपए तक, 30 रुपए से लेके 2800 रुपए तक है। ये भी सुपारी है, ये इसके ऊपर कोई दूसरी तरह की सुपारी है? हाँ, केसर वाली सुपारी है। अभी आयुर्वेदिक चीजें डालने के बाद, सुपारी डालने के बाद इसमें डाला गया हल्का सा गुलकंद, जो लोग मीठा खाते हैं उनके लिए है। अच्छा, जो मीठा नहीं खाते वो बिना गुलकंद का, बिना गुलकंद का भी खा सकते हैं। अभी इसको हम फोल्ड करते हैं। हाँ जी, औरंगा इसको खाने का तरीका बता रहे थे आपके, डिफरेंट तरीके से खाया जाता है। हाँ, आप लीजिए, आप अपने हाथ से ही खिलाइएगा। गुड गुड गुड, बढ़िया। अभी ये जो पाने ने उसको चबाने का नहीं, साइड में रखने का, जहाँ तक जूस निकले वहां तक पूरा अंदर जाने देने का, बाहर फूकने का नहीं। और जो भी जूस निकले उसके बाद जब जूस निकलना बंद हो जावे फिर उसको चबा के खा जाने का, तो उसका ये सब पूरा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अपने मुंह को रिफ्रेश करेगा। हाँ, डाइजेशन में हेल्प करेगा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कराएगा, मुंह के अंदर बैड ऑडर जो होगी वो खत्म करेगा और नया जोश देगा। हाँ, एग्जैक्टली, ताजगी भरा आपको जोश देगा। गाइस, मैंने पान भारत के 20 स्टेट्स में खाया है। एक तो जिस तरीके से पान खा रहा हूँ इस तरीके से कभी पान नहीं खाया। अंकल ने बताया मुंह में साइड में रख लीजिए पान को, मैंने साइड में रखा हुआ है, इसका जूस निकलने दीजिए। अभी ये रखा हुआ है, इसके अंदर से रस निकल रहा है, तो अंकल ने बोला पहले सारा रस अंदर ले लेना है, जो असली ताकत है पान की, जो असली खूबियां हैं वो रस से अंदर जाएंगी, थूकना नहीं है इसको, जब सारा रस चला जाए तब चबाना है। और रस में से मतलब मैं आपको स्वाद कैसे बताऊं, ये आपको यहां आके ही महसूस करना पड़ेगा। यूजुअली मैं आपको हर स्वाद एक्सप्लेन कर देता हूं, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और रस इसमें से निकलता ही जा रहा है, अभी चबाया नहीं है पान मैंने, इसके अंदर से रस निकल रहा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो अभी रस निकल गया, अभी चबाऊं इसको। हाँ, अभी चबाओ। तो रस निकल चुका है, अभी चबाया जाएगा। मतलब दिल जीत लिया पान ने, इतनी जगह पान खाया है मैंने, लेकिन इससे बढ़िया मीठा पान मुझे नहीं लगता मैंने कभी खाया है, ना तो इतना रिफ्रेशिंग, और हर जगह इतनी सारी चीजें डाली होती है पान के अंदर, यहाँ बहुत नॉमिनल चीजें डाली गई है, बहुत कम मात्रा में। अंकल ने आयुर्वेद में रिसर्च करने के बाद अपना ये पान जो है इजाद किया है, और खा के सच में आनंद आ गया। तो अगर आप बड़ौदा की तरफ आ रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप ये तामुल प्रकाश जो है, तामुल प्रकाश नाम अपने इसका, तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा। और अगर आपको पान थोड़ा बहुत भी पसंद है आप खा लीजिए, यहाँ पे आप धन्यवाद बोलेंगे मेरे को, इतनी अच्छी चीज है। तो मुझे पान बेहद ज्यादा पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे यूनिक और सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। अंकल, वीडियो तो हमारी समाप्त हो चुकी है, आप हमें ये बताइए, आप इतनी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं आज के जमाने में, ये कहाँ कैसे आई आपको? ये जब मैं पढ़ता था तो पढ़ने के अंदर मेरा प्रिय जो विषय था ना वो संस्कृत था। अच्छा, और ये अपनी भारतीय संस्कृति का जो संस्कृत है, दुनिया में ऐसी कोई भाषा ही नहीं है संस्कृत जैसी। हाँ जी, देव भाषा है। हाँ, तो गाइस यहाँ पे ना केवल आपको पान मिलेगा, जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति है, आप यहाँ पे भारतीय संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने आइए, और जब भी आए अंकल से कुछ ना कुछ संस्कृत में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद अंकल, आपने हमें समय दिया, हमें यहाँ के सच में दिल खुश हो गया। गुड गुड, बढ़िया।